नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओल्ड दीघा के मोहना बीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस व्लॉग्स एक्सप्लोरिंग इंडिया में। और आज हम हैं दीघा के सफर पर। सारा दिन आज हम सारे पॉइंट्स पर आज हम भ्रमण करेंगे और सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं मोहना सी बीच पर। और मेरे पीछे अब मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, लोग पहुँचे हैं सनराइज देखने के लिए और हम भी पहुँचे थे। करीब करीब आधा घंटा आ गया है लेकिन अभी सूरज महाराज अभी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जो वेदर आप देख रहे हैं क्लाउडी है। तो जो जिस मकसद से हम यहाँ पर मोहना आए थे और सनराइज पॉइंट वहाँ पर जो पीछे में आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, वहाँ पर लोग सनराइज को इंजॉय करते हैं और उस क्षण को हम भी इंजॉय करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन अफसोस कहते हैं कि सिर्फ विंटर सीजन में ही यहाँ आपको वो उगता हुआ सूरज नज़र आता है। कुछ देरी के बाद ये सूरज नज़र आता है। तो चलिए मैं उस पॉइंट पर चलूँगा और आपको दिखाऊंगा उस पॉइंट पर जहाँ पर लोग भीड़ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आप सामने देख रहे हैं जो कि समुद्र की लहरें यहाँ तक आने की कोशिश कर रही है और हम वहाँ से उससे थोड़ा दूरी रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ उस पॉइंट पर जहाँ पर देखिए लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे सनराइज को देखने के लिए। तो चलिए, सनराइज तो नहीं मिला लेकिन हम चलते हैं वहाँ पर। एक यहाँ पर कंक्रीट से स्लैब्स यहाँ पर डाले हुए हैं, समुद्र के अंदर तक थोड़ा बना दिया गया ताकि आप बड़े एक्सट्रीम पॉइंट तक जा सकें। और कहते हैं उसी को सनराइज पॉइंट। अब बड़ी जोरों की हवा चल रही है, बहुत ही मज़ेदार। सुबह सुबह अभी सुबह 6 बजे हैं, सुबह सुबह के अभी सुबह 6 बजे लोग यहाँ पर जिस मकसद से यहाँ पर आए थे यहाँ पर सनराइज को देखने के लिए, सनराइज को नहीं मिला लेकिन सेल्फी लेकर अपने अपने व्यू पॉइंट से अपने अपने सेटिस्फेक्शन के साथ यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं ताकि इस पॉइंट की जो रिमेम्बरेंस है उसको कैप्चर कर सकें। तो एक्सट्रीम पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ से मुझे काफ़ी भी रफ है, बहुत जोरों की यहाँ पर हवा चल रही है और ये रहा एक्सट्रीम पॉइंट। पर थोड़ा पानी से भी बचना पड़ेगा, देखिए जिस तरह से पानी के यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं, कोशिश कर रही है पूरा हमें भिजाने की। और ये रहा समुद्र का लास्ट पॉइंट, 360 जो व्यू पॉइंट है मैं आपको यहाँ से नजर करके आपको दिखाऊंगा। ये रहा पानी और यहाँ में से बच के निकलना पड़ेगा ताकि जो सूखे कपड़े हैं हमारे वो अगर भीग गए तो इसी तरह ये देखिए नीचे तक। तो जितने भी यहाँ पर देखिए स्टारफिश के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स समुद्र के किनारे किनारे डाल दिए गए हैं ताकि जो समुद्र की जो एनर्जी है उस एनर्जी को यहाँ पर तोड़ दिया जाए और जो हमारा लैंड इरोजन है वो लैंड इरोजन इस सी से कम मिनिमाइज हो सकते हैं। तो ये बड़े बड़े जो स्टारफिश के स्ट्रक्चर अब हर बीच में आपको मिलेंगे ताकि समुद्र का जो इरोशन है वो मिनिमाइज हो सके। तो सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट मोहना बीच पर ब्रेड टोस्ट के साथ में और हम सुबह सुबह अभी 7:45 बज रहे हैं। तो सुबह सुबह अभी सूरज महाराज तो निकले नहीं है, भूख लग गई है। आप समुद्र का व्यू एंजॉय करिए और हम तब तक यहाँ नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलें हमारे दूसरे पॉइंट पर और उस पॉइंट पर मैं आपको दिखाऊंगा एक और टूरिस्ट स्पॉट दिखाकर।
तो लीजिए मैं एक आपको मोहना के मार्केट में, मोहना के फिश मार्केट में मैं आपको कुछ यहाँ की जो मछलियाँ हैं, मैं मछली का जो मार्केट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ की जो देखिए मछली है की क्या जाए लाल मछली को किया चलो लाल बैठ की कत करो এটা 2400 টাকা এইটা কি গলদা দেখি গলদা চিংড়ি আর এই ইলিশ না ইলিশ কত করে ইলিশ করবে 1200 1600 এটা এটা কত 1.5 কেজি বুঝো আর কাঁকড়া গুলো কাঁকড়া 250 টাকা দেখি প্রন জো বড়ে প্রন বড় সাইজ খেলে এদিকে আসো